पद्मावत हर दिन किसी न किसी कंट्रोवर्सी से झूलती हुई दिख रही है। कभी करनी सेना का गुस्सा, तो कभी मूवी को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना या हरियाणा में पिक्चर का बैन हो जाना। पद्मावत की टीम ने कुछ दिनों पहले ही अखबारों में एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया था, जिससे लोगों को साफ बताया गया था कि मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं जो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। दो दिन पहले ही लेखक अमीश त्रिपाठी ने अपने ट्विटर पे कहा कि पद्मावत ऐसी पिक्चर है जो राजपूतों की ब्रेवरी को सेलिब्रेट करती है। पद्मावत की स्क्रीनिंग लिस्ट में ये मूवी की पहली स्क्रीनिंग थी। डायरेक्टर प्रोड्यूसर संजय लीला बंसाली डिप्रेशन में है, ये खबर तो हमने आप तक पहुंचा ही दी थी, लेकिन पिक्चर की रिलीज डेट इतनी नजदीक है तो बंसाली भी लग गए हैं फिल्म को प्रमोट करने में। बंसाली जल्द ही एक ट्रायल डिस्कशन रखेंगे, जहां पे जाने माने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पद्मावत पे अपनी टिप्पणियां देनी होगी। बंसाली इसके जरिए ये साफ बताना चाहते हैं कि उनकी फिल्म पद्मावत किसी भी व्यक्ति या जात को ठेस नहीं पहुंचाएगी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिस्ट में होंगे जाने माने कॉलमनिस्ट, डिजाइनर्स और राइटर्स। फेमस राइटर चेतन भगत और दुर्जॉय दत्ता इस वीक पद्मावत के स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल होंगे, जो कि राजस्थान की रॉयल फैमिली के लिए आयोजित की गई होगी। हमारे आज की वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। पद्मावत हर दिन किसी न किसी कंट्रोवर्सी से झूलती हुई दिख रही है। कभी करनी सेना का गुस्सा, तो कभी मूवी को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना या हरियाणा में पिक्चर का बैन हो जाना। पद्मावत की टीम ने कुछ दिनों पहले ही अखबारों में एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया था, जिससे लोगों को साफ बताया गया था कि मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं जो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। दो दिन पहले ही लेखक अमीश त्रिपाठी ने अपने ट्विटर पे कहा कि पद्मावत ऐसी पिक्चर है जो राजपूतों की ब्रेवरी को सेलिब्रेट करती है। पद्मावत की स्क्रीनिंग लिस्ट में ये मूवी की पहली स्क्रीनिंग थी। डायरेक्टर प्रोड्यूसर संजय लीला बंसाली डिप्रेशन में है, ये खबर तो हमने आप तक पहुंचा ही दी थी, लेकिन पिक्चर की रिलीज डेट इतनी नजदीक है तो बंसाली भी लग गए हैं फिल्म को प्रमोट करने में। बंसाली जल्द ही एक ट्रायल डिस्कशन रखेंगे, जहां पे जाने माने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पद्मावत पे अपनी टिप्पणियां देनी होगी। बंसाली इसके जरिए ये साफ बताना चाहते हैं कि उनकी फिल्म पद्मावत किसी भी व्यक्ति या जात को ठेस नहीं पहुंचाएगी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिस्ट में होंगे जाने माने कॉलमनिस्ट, डिजाइनर्स और राइटर्स। फेमस राइटर चेतन भगत और दुर्जॉय दत्ता इस वीक पद्मावत के स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल होंगे, जो कि राजस्थान की रॉयल फैमिली के लिए आयोजित की गई होगी। हमारे आज की वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।